सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CBSE अपडेट्स में। तो आज की जो हमारी अपडेट है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज भी एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डुअल इन्फॉर्मेटिव सेशन, मतलब कि हाँ, जहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन मैं साथ में दूंगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अलग अलग वीडियोज में अलग अलग नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूँ, इसलिए ये डुअल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाने पड़ रहे हैं। तो चलिए आज चलते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ। तो हमारा पहला जो अपडेट है वो होने वाला है, जो कि मैंने आपको सरल सहज संडे में इसका एक छोटा सा ट्रेलर भी दिया था, कि साइबर क्लब जो है वो स्कूल में खुलने हैं और साइबर क्लब जो है उनमें क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो CBSE ने डिस्क्राइब किए हैं वो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि हर CBSE स्कूल के पास एक साइबर क्लब होना चाहिए अकॉर्डिंग टू CBSE, जिसमें कि एक टीचर को आप नोडल ऑफिसर ऑफ साइबर क्लब बनाएंगे, साइबर नोडल ऑफिसर। और इनकी जो पोस्ट है या इनको जो पोस्ट दी गई है, इनके बारे में आप OSS पे भी अपलोड उनके प्रोफार्मा में आपको करना होगा कि इनको हमने साइबर नोडल ऑफिसर भी बनाया है यहाँ का। अब आ जाते हैं हम कि एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म करने के लिए कही है साइबर क्लब के अंदर CBSE में। तो CBSE की एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगी लेक्चर्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन जो कि आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर करा सकते हैं, उसके बाद हम देखें तो ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स जो कि आप स्पेशल लैब्स में लेके जा सकते हैं बच्चों को। आप स्कूल में एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर बच्चे साइबर लॉज, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ले सकें और आर्टिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट पढ़ सकें। इसके बाद हम देखें तो शेयरिंग डूज एंड डोंट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्लेज, जितना ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कराएंगे उतना ही बच्चों को साइबर अवेयरनेस होगी, जो कि आज के ज़माने में ज़रूरी है भी। तो ये था आज का साइबर अपडेट। और अब चलते हैं हम दूसरे हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है एक और साइट ट्रेनिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। इसके पहले भी 3 से 4 ट्रेनिंग साइट अभी तक पूरी करा चुका है, इस बार जो टॉपिक उन्होंने लिया है वो होने वाला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड मोबाइल सिक्योरिटी। तो इसके ऊपर ये जो है ये टीचर्स ट्रेनिंग है और इसकी जो डेट है वो होने वाली है, हमेशा की तरह साइट की जो ट्रेनिंग होती है वो 5 दिन की होती है। तो 1 सितंबर मतलब आज से ही ये शुरू है, शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका जो है शेड्यूल है। इसकी जो लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये पूरी ट्रेनिंग चलेगी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलते आई हूँ, हर ट्रेनिंग में साइट की सेम ट्रेनिंग आपका सेम प्रोसेस फॉलो करती है। अगर आप आज का मेरा वीडियो देखने के बाद भी ये नहीं ले पाते हैं तो उनकी वेबसाइट जिस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा वो उस वेबसाइट की लिंक भी मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी, जी बी हैप्पी। अब आगे आ जाते हैं कि आपको लिंक कहाँ से मिलेगी। लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो आपको YouTube पे जो लाइव सेशन लेना है रोज 4 से 5 बजे वाला, उसकी लिंक भी मैं कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। अब आ जाते हैं कि सेशन क्विज, मतलब इसका सर्टिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप इसको लाइव सीधे YouTube पे देखते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी उसका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। और सर्टिफिकेशन भी कब मिलेगा, जब आप इसकी जो लास्ट डे एक क्विज अपडेट होगी 5 सितंबर को शाम को 6 बजे वो लोग एक लिंक अपडेट करेंगे जिसमें पूरे सेशन की क्विज होगी। अगर आप उसमें 70% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, इन विद की फीडबैक का फॉर्म भी आपको भरना होगा। फीडबैक की लिंक और जो उस दिन सेशन लिंक आएगी वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसकी लिंक मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो मुझे इस तरीके से करते रहिएगा सपोर्ट, आज के लिए इतना ही। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका डाउट था कि मैम बता रहा है कि टेलीग्राम ओवरलोड, तो टेलीग्राम ओवरलोड की जो समस्या है वो मेरी तरफ से नहीं है, वो आपके टेलीग्राम से, शायद आपने बहुत सारे चैट्स जो हैं ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, इसीलिए वो ऐसा आ रहा है। तो थोड़ा सा टेलीग्राम का डेटा डिलीट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप एक और ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह मुझे करते रहिएगा सपोर्ट आज के लिए वीडियो में।